दोस्तों, काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइन का कोई भी जहाज आज तक नहीं आया, काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाती है। आखिर उसकी ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह व बर्बाद हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जब एक बार किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ क्या हुआ, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाज़ा माना गया है, इसलिए हर मुसलमान अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का और मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता, और अगर कभी कोई परिंदा या जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहाँ से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर तबाह व बर्बाद हो जाता है। मगर दोस्तों, इस पोस्ट को लेकर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पोस्ट सरासर गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबा शरीफ के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस पोस्ट को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको बता दें कि ये पोस्ट झूठ और गलत नहीं है बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। उसके बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खानाए काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा, और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबे के ऊपर से गुजरते हुए देखा। अब्दुल रशीद आगे कहते हैं कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ के तरफ आ गया, मगर हमने देखा कि जैसे ही वो जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर ही अपने आप वहां से धकेल दी गई, यानी कि वो कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है, अल्लाह ने काबा शरीफ में ऐसी क्या कुदरत डाली है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाता है और ना ही कोई परिंदा काबा के ऊपर उड़ पाता है। अल्लाह ने अपने घर में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से ही अपने आप ही दूर हो जाता है। क्या आपको ये मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद दो है, एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ठीक ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको तीन ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजर नहीं पाता है, यानी कि काबा के ऊपर से परिंदे या जहाज के ना गुजरने की तीन असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा शरीफ दुनिया के बीचों बीच मौजूद है, और आज इस बात को साइंस भी मानते हैं। साइंस ने भी इस बात को
प्रूफ किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसलिए काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है। उसकी वजह से ये होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो परिंदा या हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वो परिंदा हो या हवाई जहाज या फिर और कोई चीज हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज को कुदरती तौर पर भी वहाँ से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास कोई चुंबक है और हम उसके पास अगर किसी लोहे की चीज को लेकर आ जाते हैं तो वो चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। उसी तरह से अगर कोई चीज काबा के ऊपर से आती है तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से नहीं गुजरा है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने के लिए या उमरा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है, फिर उन सबको बस या ट्रेन में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में गैर मुस्लिमों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी लगाई है, और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद है जो ये साबित करती है कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी भी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर के एयरलाइन पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाइंग जोन करार दिया है। उसके अलावा उसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि जिन इलाकों में तेल की कंपनी मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितना ज्यादा जानो माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक इंतहाई अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी भी हवाई जहाज को हैजा करके मस्जिद हराम के पास ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दस जगह है, और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहाँ से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज उड़ाने की इजाजत नहीं दी गई है। याद रहे, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरा है और इंशाल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी एक बार अपने घर काबा शरीफ की जियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो और ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम
अल्लाह हाफिज़।